सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट कैसे आप लोग जो अपने पोको एक्स थ्री प्रो के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो लेटेस्ट जो अपडेट आया हुआ है फ़ोन का उसको। अभी यहाँ पर मैं आज बताने वाला हूँ आपको कैसे आप TWRP को इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन के अंदर विदाउट एनी इश्यूज़। और लेटेस्ट रिकवरी जो आ रही है, जो कि हमारी अनऑफिशियल रिकवरी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वायु और भीमा दोनों के लिए है, तो ग्लोबल इंडिया डिवाइसेस के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये रिकवरी काम करने वाली है। दूसरी बात, जो यहाँ पर जितने भी बग्स थे मोस्टली फिक्स कर दिए गए हैं। ADB जो साइड लोड है वर्क करने लगा है, टच वाइब्रेशन एंड ADB वर्क करेगा, OTG वर्क करेगा, HDMI और MTP भी वर्क करना चाहिए गाइस। MIUI के साथ में भी यहाँ पर काम करेगा, तो विदाउट एनी इश्यूज चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देख सकते हो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो यहाँ पर वॉकिंग कर रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को इसको डाउनलोड करना होगा, तो डाउनलोड करने के लिए हमको यहाँ पर जो है इस तरीके से खोल लेते हैं हम इसको। और यहाँ पर जब खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर करना है, और एक छोटी सी स्क्रीन भी दिख रही होगी, वो जस्ट इसीलिए ताकि मैं आपको अपने डिवाइस के बारे में भी बता पाऊँ कि उसको क्या करना है, उसमें क्या करना है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़, जब तक दोस्तों ये डाउनलोड होता है, हम एक और चीज़ यहाँ पर कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म टूल्स को हमको डाउनलोड कर लेना होगा। प्लेटफॉर्म टूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों इस स्टेप के लिए, तो आपको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर MIUI के फास्ट बूट, मतलब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको, विंडोज़ के लिए आपने जाना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर करना है डाउनलोड। मैंने सिंपली यहाँ पर गूगल में लिखा प्लेटफॉर्म टूल्स और मुझे ये मिल गए हैं काफ़ी इजीली, और ये भी डाउनलोड हो चुके हैं, और रोम भी यहाँ पर कंप्लीटली डाउनलोड होने ही वाली होगी। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको, जैसे कि मैंने कहा कि मी फ्लैश टूल फ्लैशिंग अनलॉक टूल नहीं है वो, ठीक है, फ्लैशिंग मी फ्लैशिंग टूल है वो, ठीक है। तो यार अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर देखते हो Xiaomi फ्लैशिंग टूल, देखो ये लेटेस्ट वाला यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मीडिया फायर का लिंक है, जो भी है मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। यार ये मेन जो चीज़ें हैं ये रहती हैं, ठीक है, फ्लैश करने के लिए बेसिकली काम आता है फास्ट बूट रोम को। तो इसको जब आप खोलोगे ना और इंस्टॉल करोगे, तो वो सिंपली आपको एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अपने कंप्यूटर में जाके बहुत सारी फाइल्स हो गई हैं गाइस। ये मी अनलॉक टूल है, फ्लैश टूल में जाना है, ये रहा मेरा फ्लैश टूल, और यहाँ पर आपको वो जिप मैंने जो डाउनलोड करने के लिए दी थी ना, ये वाली जिप, इसको डाउनलोड, ये वाली नहीं यार, ये तो है, ये डाउनलोड हो चुका है ना, यही जिप में से इस तरीके का कबाड़ा निकलेगा बाहर। इस कबाड़े में जाना, और इस कबाड़े में जा करके आपको कहाँ जाना है, ये Xiaomi फ्लैश में जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, इसके अंदर ये देखो ये जो ड्राइवर्स है ना, इस तरीके से ये बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जितने भी ड्राइवर्स रहते हैं वो सारे इंस्टॉल करा देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, इसने इंस्टॉल कर लिया, इसको कट करते हैं, और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो हमारी अभी भी रिकवरी डाउनलोड हो रही है, जब तक मैं आपको फ़ोन में बता दूँ क्या करना है ना। तो फ़ोन में यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है गाइस, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फास्ट बूट पर जाना है अपने डिवाइस के। फास्ट बूट पे गए, अपने कंप्यूटर को यहाँ पर कनेक्ट किया अपने फ़ोन से, ये देखो हमारे तब तक इमेज फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से मैंने अपने फ़ोन को इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, और मैं यहाँ जस्ट अपने फ़ोन को इस तरीके से रख दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ फ़ोन को, और ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ़ोन को, ठीक है, और फ़ोन यहाँ पर लगा दिया हमने। और अब आपको सिंपली क्या करना है, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे वापस आते हैं, ओपन फोल्डर किया, तो ये जहाँ पर भी होगी आपकी येरी, ठीक है। अभी हमने सिंपली क्या करना है, इसका नाम यहाँ पर एक काम कर लो, TWRP कर दो, बहुत है ना, TWRP बहुत लग रहा है मेरे को, तो TWRP मैंने इसको रीनेम कर दिया है। और उसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे एक फोल्डर डाउनलोड करवाया था, एक ज़िप डाउनलोड करवाया था, जो कि मैंने सबसे पहले आपसे कराया था प्लेटफॉर्म टूल्स, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म टूल्स को भी आपको जो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है इस पर, और इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऑल पे एक्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल। तो सभी चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो डोंट वरी, है ना, ये सारी चीज़ों का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आपने जाना प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर, इस तरीके का खुल जाएगा दोस्तों फोल्डर, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लोकेशन बार पे जाना, आपने CMD टाइप करना है, एंटर करना है, ठीक है। अब इस तरीके के आपके सामने विंडो खुल गई। अभी हमने जो है यहाँ पर सिंपली TWRP हमने कहाँ पर रखी, हमने डाउनलोड्स के अंदर हम जाते हैं, और ये रही TWRP, मैंने रीनेम कर लिया था इसको। और यहाँ पर मैं जाता हूँ इसके अंदर प्लेटफॉर्म टूल पे जाना है, यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, ठीक है।
इतना लिखने के बाद दोस्तों आपने इसको उठाना है, ये देखो ये फाइल मैंने उठाया। अभी देखिए यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना होगा, इसको इधर से उठाना है और इसमें ऐसे पटक देना है, ऐसे ला के ये खुल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ला करके ऐसे पटक देना है। बीच में हमेशा याद रखना जब आप लिखेंगे, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, है ना, रिकवरी जब आप लिख देंगे तो इसके बाद एक स्पेस लगाना बहुत ज़रूरी है। एक स्पेस लगा दीजिए, उसके बाद TWRP को लाइए और यहाँ पर इस तरीके से पटक दीजिए और मार दीजिए एंटर। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद रिकवरी यहाँ पर फ्लैश होना शुरू हो जाएगी और हमारी रिकवरी जो है सक्सेसफुली फ्लैश भी हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद सिंपली आपने एक नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, अपने फ़ोन को उठाना है, यहाँ पर इसको रिकवरी में बूट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली रिकवरी में बूट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दबा रखा है, दोनों दबा रखे हैं, और अपडेटेड रिकवरी का आप कुछ इस तरीके से फ्लैश कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के डाउट थे तो मैंने पूरी नई सीरीज़ ही बनाने जा रहा हूँ अनलॉक से लेकर के सब कुछ की। अनलॉक नहीं कर रहा बट बेसिकली अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो TWRP बूट हो रही है हमारी, और इंस्टॉल पे जाते हैं हम एक बार ही देखते हैं क्या हमारा जो अभी भी रिकवरी आपकी परमानेंट होगी नहीं। अभी आप देखेंगे ना यहाँ पर सब कुछ अनलॉक दिखा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो अभी भी हमारी TWRP यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लैश हो ही नहीं है। आपको ना इसको मैजिक्स डालना पड़ेगा इसमें अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं। अगर मैजिक्स रूट नहीं करना चाहते, अपने फ़ोन को रूट नहीं करना चाहते, तो एक काम करना आपने, इसको तो मैंने क्यों निकाल दिया, इसको आपने जाना है वाइप में, यहाँ पर फॉर्मेट डेटा पे यस टाइप करना है और ओके कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आपकी जो रिकवरी यहाँ पर परमानेंट हो जाएगी। बट एक तरीका ये है कि आप सिंपली यहाँ पर OTG में जाएं, और OTG में तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पेन ड्राइव लगी है, वरना आप जो है यहाँ पर मैजिस की फ़ाइल अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं। मैं मैजिस के यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ रूट करने के लिए अपने डिवाइस को, ठीक है, ताकि जो ये रिकवरी है वो भी परमानेंट हो जाए और मेरे डिवाइस रूट भी हो जाए। तो मैजिस कैसे, मतलब रूट कैसे करते हैं मेरे डिवाइस को, ये भी मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। सिंपली आपको मैजिस वाली 5 इंच डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड के अंदर रख करके आप ये काम कर सकते हैं काफ़ी इजीली। मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव से किया, आप मेमोरी कार्ड से या इंटरनल स्टोरेज में रख के भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनल स्टोरेज जो हमारे TWRP के अंदर शो हो जाता है, पहले ये चीज़ बहुत ही दिक्कत करती थी। अभी यहाँ पर सिंपली हम जो एक बारी रिबूट करके देखते हैं सिस्टम पे कि हमारी जो रिकवरी है सक्सेसफुली यहाँ पर फ्लैश हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूँ यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर TWRP हमने इंस्टॉल कर लिया और मैजिक से हमने इसको जो है यहाँ पर इसके अंदर रूट भी कर दिया इसको। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया यहाँ पर, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा बनेगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पर मे बी शायद बूट होने ही वाला है। तो मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली यहाँ पर रिकवरी के अंदर एक बार फिर से जाया जाए, बट बूट हो गया हमारा डिवाइस यहाँ पर और बहुत गंदा दिख रहा है। मैट का एक ये थोड़ी दिक्कत रहती है यार, कुछ चिपक जाता है इसमें, पता नहीं क्या ही चिपक जाता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने ये स्टॉक रोम पे ही था मैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ MIUI 12.5.4 जस्ट रिलीज़ हुआ है, मैं उसी के ऊपर था, इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, रिकवरी के अंदर एक बार फिर से बूट करने के लिए पावर अप बटन, वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन को एक साथ दबा के रखना है, और मैंने दबा के रखा है, और जैसे ही पोको स्क्रीन दिखती है छोड़ देना है पावर बटन, ठीक है। TWRP हमारी जो सक्सेसफुली यहाँ पर फ्लैश हो चुकी है, साथ में हमारा डिवाइस यहाँ पर रूट भी हो चुका है। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हुई वीडियो, पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को अभी थोड़ा से लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय।